क्या इंसान ये जो भी अभी ऐड किए यार, एक पीछे भी तो आता है वो आगे आएगा, वो हमने आगे रखा है। अच्छा तो यहाँ पे आपने रोका, वो यहाँ नहीं आएगा, वो आगे आएगा। वहाँ पे फिर ये चीज़ जो ना रोक देंगे, जो लगे वो रुक जाएंगे। अच्छा अच्छा, जो आगे जाके इसको ज्वाइन करेंगी तो वो कौन सा पार्ट करेंगी? एग्जैक्टली वो आगे जो ब्रिज पार्ट आपने बनाया था उसको हमने फिर उसके आगे थोड़ा ड्रैग करेंगे। इसमें नताशा बेग आएंगी, वो आपके वो अपने जो ना लिरिक्स पार्ट गाएंगी, उसके साथ आपके आलाप वगैरह। नताशा की लाइक एंट्री लाइक आलाप से होगी, वो जो तबला भी इसमें लाइक हो गया ना। आँख खुली जब से है ये जाना, ख्वाब है दुनिया दिल है ठिकाना, सो जाता है जब ये जमाना, जागता हूँ लिखता हूँ फसाना। यारा ली यारा ली आला याला रे, यारा ली यारा ली आला याला रे, यारा दिल धारा रे, यारा दिल धारा। अब उससे काम ले ले, बेटा मुझे अनिल के आजू से गिटार की बैंड लेके आ जाएंगे पर अच्छा। ये हमारा गाना हमारी 18 ट्रैक एल्बम थी, 4 दिनों का ख्वाब, ये उसका हिस्सा था। और इस शो में इसी गाने को रीमिक्स किया गया और सारे लाइव एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। इसके बेसिकली हमने 2 वर्जन्स बनाए थे। द फर्स्ट वन वाज नॉर्मल लाइक डूबने दे, फिर उसके बाद में हमने इसको लाइक वी वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद द बीट अ लिटिल मोर, इसको थोड़ा सा और अपबीट बनाना था, तो उसका डूबने दे रिप्राइज पर वर्जन निकाला। उसके भी नए उसके नए लिरिक्स लिखे हमने, वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सीक्वल। तो डूबने दे रिप्राइज को हमने यहाँ पे अब रिक्रिएट किया, रीइमेजिन किया क्रिस्टल रिकॉर्ड्स के साथ। इसको हमने द मेन डिफरेंस बिटवीन द डूबने दे रिप्राइज द रियल वर्जन एंड दिस वर्जन इज कि इसमें सब कुछ लाइव प्ले हुआ है। दिस एड्स यू नो मोर टू द बीट टू द, हाँ डिजिटल एलिमेंट्स कम है इसके अंदर। तो अदर देन दैट लिरिक्स का, यार लिरिक्स के सीन यही था कि it was we wanted to make something transcendent, yeah. Transcendental, that's the word, right? Whatever the word is, ha to wo ha to hum nahi bas chahte the ki ek jo main idea inspiration gaane ke piche thi कि कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी में ये टाइम आता है जब उसको एहसास होता है कि आप जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपका घर कहीं और है, आप यहाँ से नहीं, आप कहीं और से हैं, और आपको वो उस लम्हे में सबको अलविदा बोलना होता है। वो बड़ा तकलीफ दे लम्हा होता है कि जब आपको आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये गाना उस मोमेंट के बारे में हमने लिखा था कि जब आपको एहसास हो जाए कि आपका घर कहाँ पे है और आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के तो जाना पड़ेगा। हाँ, शम्स की एक स्टोरी थी, लाइक एक लिटिल डकलिंग के ऊपर। तो उसके अंदर यही था कि एक डकलिंग होती है, वो हैच करती है और वो चिकन्स के बीच में पैदा हो जाती है। तो सारी ज़िंदगी बड़ी होती है वो, और जो चिकन्स होते हैं, माँ और बच्चे सारे, उनको बताया गया होता है कि समंदर के पास नहीं जाना, समंदर के पास ख़तरा है, समंदर के अंदर डूब जाओगे। बट डकलिंग के अंदर, बिकॉज इट्स अ डकलिंग, उसको वो है एक लॉन्गिंग फील होती है समंदर में जाने की, एंड बिकॉज इट कैन स्विम, तो वो लॉन्गिंग नेचुरल सी लगती है। बट हाँ, जिस दिन उसको एहसास होता है कि वो समंदर में जा सकती है और वो यहाँ से नहीं है, वो कहीं और से है, वो लम्हा बड़ा तकलीफ से होता है। हाँ। क्योंकि वो उनके साथ ही सारा वक्त गुजरा होता है, और उनको खुदा हाफिज़ बोलना या अलविदा बोलना बड़ा तकलीफ दे मोमेंट है। ये गाना उस मोमेंट के बाद, हाँ बिल्कुल, वो जो लाइक ट्रांजिशनल फेज होता है ना, तो that was the philosophy behind the song. So I just met Hasan and Roshan, and to be honest, like मैं भी उनको भी यही बात बता रही थी कि मैंने उनके बारे में रिसेंटली लॉकडाउन के दौरान ही मैंने डिस्कवर किया था, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन सम, बोलते ना, कोई खुद के कंटेंट पे मैं काम कर रही थी जिसमें आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर न्यू आर्टिस्ट एंड न्यू सॉन्ग्स। सो एंड आई डिस्कवर्ड Hasan and Roshan देयर, एंड जैसे मैंने उन्हें वहाँ से डिस्कवर किया तो फिर इत्तेफाक से जो है फिर यहाँ से, मतलब इस प्रोजेक्ट की तरफ से मुझे ऑफ़र आई कि मतलब इस तरह आपने कोलैबोरेट करना है इनके साथ। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू देम, सो इट वाज नॉट दैट हार्ड फॉर मी टू डिसाइड, बिकॉज दे आर अ टैलेंटेड लॉट, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, और गाना भी बहुत अच्छा था। तो आई हैड नो रीज़न टू रिफ्यूज़ इट, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। आई थिंक इट गोज़ विद माई वाइब, माई फील, दैट वाज द मेन रीज़न। अच्छा, हमारी जब हमें शो की थीम का बताया गया और बताया गया कि द शो हैज़ टू बी लाइव, तो जो सबसे अप्रोप्रिएट गाना हमें था कि इसमें सब इंस्ट्रूमेंट्स जो कोहेरेंट रह सकते हैं एक लाइव शो के साथ, वो ये गाना था। हाँ। वरना जो 18 ट्रैक एल्बम है, हमें सारे गाने उतने ही पसंद हैं, क्योंकि सारे हमारे गाने। दूसरा रीज़न ये कि अच्छा, मैं अगर पर्सनली अपने बारे में बात करूँ तो मेरा तो हमारी एल्बम में से डूबने दे फेवरेट गाना था। तो मेरा बड़ा दिल था कि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अगर आ रहे हैं, रिक्रिएट करें इसी को। हाँ, इसको रिक्रिएट करें, एंड लाइक व्हाट अ प्लेटफॉर्म यार, इतना इट वाज ह्यूज, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज़्यादा था। अभी मैं आदिल भाई से बात ही कर रहा था स्टेज के ऊपर जब हम थे, कि मैं ना बार बार अपने आप को बताता था कि यार ये हो रहा है, सेट हुआ है, सारा हो गया और काफ़ी देर से ये गाना रिक्रिएट हुआ है, ये स्टेज लगी हुई है और ये सारा हो रहा है। और क्या कहते हैं, कैमरे से पीछे भी बार बार यही डायरेक्शन आई थी कि यार आपने स्माइल करना है, और मैं सिर्फ ये चीज़ सोचता था कि ये हो रहा है, और वो स्माइल खुद ही निकल आती थी। अच्छा, तो बेसिकली लैपटॉप का द रीज़न वाई इट्स माई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट इट्स बिकॉज वो मुझे इतना एम्पावरिंग लगता है। आप एक लाइव इंस्ट्रूमेंट है ना, ऑब्वियसली उसके अंदर एक एक्सप्रेशन का वो है, एक लाइव उसकी अपील है, बट उसके अंदर एक लिमिटेशन भी यही है कि वो जो आवाज़ निकाल सकता है वही आवाज़ निकालेगा। लैपटॉप के अंदर ये है कि लाइक मैं बस होता था कि अच्छा मैं ये सोच लूँ और वो बस रिकॉर्ड करूँ और हो जाएगा। नहीं होते, यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट, एनी साउंड यू वांट, जो मर्जी अरेंजमेंट, जो मर्जी साउंड, जो मर्जी सारा कुछ। लाइक गिटार्स भी जो हमने ओरिजिनल गाने में इस्तेमाल किए थे, मैं चाहता नहीं था कि वो बहुत गिटार्स की तरह साउंड करें, एंड इट डिडंट। लाइक पर्सनली मुझे तो ऐसे लगता है कि वो बहुत ही बुलेट और एम्बियंस उसकी बन रही है, और वो बिल्कुल ही उड़ रहे हैं हवा के अंदर, तो मुझे वो अच्छा लगता था। लैपटॉप के बगैर आई डोंट थिंक मैं ये एग्जीक्यूट कर सकते थे हम। दिस सॉन्ग इज़ अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, और इश्क और सूफीज़म के अराउंड ही बेस करता है। तो आई थिंक जो भी लिसनर होगा जो इस गाने को अपने हिसाब से जानेगा, अपने हिसाब से उसको ग्रास्प करेगा। टू मी आई थिंक इस गाने की जो मीनिंग है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि anybody can, you know, dive into it, and they can feel that this song is for them. So it's about knowing yourself, identifying yourself. Yeah. In the end, I would like to say that I wish you all the best. Crystal Records को मेरी मतलब बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने सारे आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट पूल लिया और उनसे ये चीज़ें पुल ऑफ करवाई। It's a very commendable job, और the music is amazing and the production is great. So I just have lots of prayers for you guys, and I'd like to give a huge shout out to Hasan and Roshan as well. They have done a great job. So yeah. और सब कुछ सेट से लेकर सारी जो arrangements थी, everything was so on point. We've given the best. Now we're hoping for the best. हाँ, like beyond our expectations यार. हमने शुरू में हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा इतना अच्छा सीन होएगा. सारा कुछ perfect execute हुआ वैसा, perfectly managed. और मतलब कि यही है कि अब वो चीज़ सामने आए, जो भी एफर्ट हमने देखी है आंखों के सामने. हम इंतजार नहीं कर सकते कि फैंस के सामने ये ऑडियो ये सारा सेट जो भी रिकॉर्ड हुआ ही आए. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इट वाज ग्रेट, इट वाज अमेजिंग. और आई थिंक आज तक का सबसे बेस्ट शूट एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्योंकि मैं थकी भी नहीं लग रही. आई एम रियली फ्रेश. सो या, आई हैड अ ग्रेट टाइम. थैंक यू. So yeah, I'd like to thank Crystal Records and producer Adil. They all have done a phenomenal job, and I just wish you all the best. And inshallah, ये hit होगा आपके लिए.